हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है भाई सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया होने चाहिए। तो तुम्हारा भाई तो फिलहाल थोड़ा बहुत बीमार है, तो ये वीडियो सिर्फ मैं भाई एक अपडेट देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप हो कहाँ, आपने वीडियो क्यों नहीं डाली इतने महीनों से, ना रील डाल रहे हो। तो भाई जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया तो उन सबको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हुआ था और हो रहा है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो लोग ये वीडियो देख लें, उनको पता लग जाएगा। 6 महीने से मैं गायब हूँ यूट्यूब पे, मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं वीडियो डाले हुए, और इंस्टाग्राम पे 6 मंथ्स, क्योंकि मैं 6 मंथ से भाई बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, यानी बहुत लंबी है भाई। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे भाई और सबको मैं रिप्लाई मतलब नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, एक एक करके करता तो भाई बहुत टाइम लगता, और साथ में मुझे फ़ोन भी थोड़ा कम बोला था यूज़ करने को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई 6 महीने से बीमार हूँ और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो बाकी मैंने जब बाइक ली थी मैं उसी दिन बीमार हो गया था, तो फिर एडमिट वगैरह हो गया था हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उस समय, कुछ होश भी नहीं थी। फिर चेकअप वगैरह करवाया और डेली के मुझे भाई 15-15 इंजेक्शन लगते थे भाई, बहुत बुरी हालत थी। मतलब मेरा फ़ोन कहाँ था मुझे खुद नहीं पता थी, तो तभी मैं कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे और बुरी हालत होती गई, तो फिर चेकअप वगैरह करवाते रहे, कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो 2-3 महीने में जो भाई ऐसे ही निकल गए डॉक्टर के पास, दवाई वगैरह जो थी हमारी, जो मेरी चल रही थी वो बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रही थी, एंड साथ में प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे मतलब बढ़े जा रही थी। हुआ क्या था भाई, वो लीवर में मुझे इन्फेक्शन हो गई थी बहुत ज़्यादा, डेंजर जोन में सारे सिम्टम्स पहुँच गए थे मेरे, बहुत हाई में हो गए थे। तो डॉक्टर वगैरह भी शॉक हो गए थे रिपोर्ट्स देख के, चेकअप वगैरह कराया, रिपोर्ट्स आई वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई, बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में। एंड उसके साथ साथ भाई फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से भाई जॉइंटिस हो गया, जॉइंटिस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ते रहा भाई, 10 हुआ 20 हुआ 25 एंड लास्ट 38 तक पहुंच गया। और जॉइंटिस होने के कारण मेरे पूरे शरीर में जो है भाई कि मेरे शरीर में जो है भाई पूरी इन्फेक्शन हो गई भाई, जख्म ही जख्म हो गए मेरे सारे पूरे शरीर में, एंड उसकी वजह से ना भाई मुझे पूरे अपने शरीर के बाल जो है भाई हेयर्स वगैरह एक जगह के रिमूव करने पड़े मेरे को हेयर्स अपने, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये आप साइड में फोटो देख सकते हो कि ये इन्फेक्शन हो गई थी मुझे यहाँ पर, मेरा आप चेहरा भी देख सकते हो, पूरा शरीर येलो पड़ चुका था। डे बाय डे मेरी मतलब हालत बहुत ख़राब हो रही थी, कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम चंडीगढ़ जा रहे थे, बट उससे पहले हमें एक डॉक्टर मिल गया, वो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी भी भाई कुछ अपना ही लफड़ा चल रहा था। मतलब जब बुरा टाइम आया तो भाई मतलब बहुत कुछ साहब हमने भाई कुछ, कभी किसी ने कहा कुछ करो ये करो, सब कुछ किया, और ऐसे करते करते भाई 4 महीने हो गए, एंड 5वें महीने में हमें जाके डॉक्टर मिला एंड उसकी दवाई लगी। डे बाय डे मेरा भाई जॉइंटिस कम हुआ, उसके बाद मेरा जो लीवर की इन्फेक्शन थी वो कम हुई, इन्फेक्शन कम हुई, एंड सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। एंड अभी ये मेरा जो है भाई 6 मंथ चल रहा है, ये मेरे को बीमार हो जाएंगे, एंड डॉक्टर ने अभी भी मेरे को कहा है कि 1 महीना और आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी हो चुकी है ना, तो मैं अगर चलता भी हूँ थोड़ा थोड़ा भी तो भाई मतलब कभी कभी गिर जाता हूँ। तो एक दिन निकला था बाहर घर के, एंड भाई खड़े खड़े मैं गिर गया नीचे, एंड मेरे बाजू में लगी थी, ये आप फोटो देख सकते हो। बाकी अभी तो फिलहाल ठीक है, बट निशान वगैरह हो गए हैं पूरी बॉडी में जहाँ पे भी जख्म आए थे, तो चलो कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। तो बस यही था मेरे साथ, यही हुआ था, मैं 6 महीने से कहाँ था गायब था, तो यही था भाई, बहुत ज़्यादा बीमार था, तो बस इसी कारण वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी। तो अभी डॉक्टर ने 1 महीना और बोला है कि रेस्ट करो आप, तो जैसे ही ठीक हो जाऊंगा 1 महीना लगेगा अभी और उसके बाद फिर भाई फिर से व्लॉग आए करेंगे यार। एंड थैंक यू सो मच आप सबने भाई इतना मेरा हाल पूछा कि आपको क्या हुआ है, आज के ज़माने में तो भाई कोई भी नहीं पूछता, बट आप सबने पूछा तो थैंक यू सो मच भाई, वो आपको बस आपको सपोर्ट करना है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें फटाफट से यहाँ पर यार, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बीमार हुआ ना भाई तो मुझे इन 6 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला भाई, हर एक चीज़ की कदर, माँ बाप क्या होते हैं और खाना क्या होते हैं, और सबसे मेन बात कि बहुत सारे जने मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आप पतले कैसे हो गए, आपने जिम वगैरह की डाइट वगैरह, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 4 महीने से खाना नहीं खाया, ऐसे मेरा बॉडी में जो है इतनी ज्यादा कमजोरी होगी, तो यही रीजन था। बाकी मैंने डाइट वगैरह कुछ नहीं की है, ना कि जिमिंग वगैरह की है, मैं टोटल घर पे रेस्ट कर रहा था, एकदम बेड रेस्ट। ये आती रहती है, डाउनफॉल आते रहता है, कोई बात नहीं भाई, एक दिन ऊपर भी आएगा, सब कुछ ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। तो बाकी थैंक यू सो मच आप सपोर्ट करते हो, बाकी मिलते हैं आपको भाई अब जब 1 महीने के बाद रिकवर होऊंगा, धीरे धीरे तो फिलहाल हो ही रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।